माइनस हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डोंट ये क्वेश्चन मत। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में। एमपीएससी 2018 क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द मेंबर ओए ओबी एंड ओसी आर मेंस का क्वेश्चन नहीं है, फोर मीटर दैट ए ओ बी, ओके देयर इज टू ई आई देयर इज 1.5 ई आई एंड 6 मीटर ई आई 6 मीटर ई है, ओके 6 मीटर ई है। ओके सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर दिस, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर दिस, ये भी निकालना है। सो किसी भी एक इसका अगर निकालना रहता था तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता था, अभी मुझे तीनों इसके निकालना तो मैं क्या कर लेता, मैं सिंपली मैं टेबल लिख लेता, मुझे टेबल लिखना पूरा आएगा यहाँ पे, मैं डायरेक्ट भी आपको निकाल के दूंगा और टेबल से भी निकाल के दूंगा। ओके ये क्या आएगा करके, तो अब ये कितने मार्क्स के लिए है, अब इसके ऑप्शंस भी हम लिख लेते हैं 1 मिनट। 2 मार्क के लिए पूछा गया है एमपीएससी में, जीरो पॉइंट 125, 0.375, 0.5 बी 0.375, 0.5, 0.125, सी 0.5, 0.125, 0.375 एंड डी 0.5, 0.375 एंड 0.125। ओके this is the options, okay how to solve now, how to solve now, sabse pehle hum kya karenge, table jo bhi hai apna wo apan apply kar lenge, okay what is distribution table solution, joint member relative stiffness, relative stiffness that is k, submission of relative stiffness and df, df it is equals to k upon submission of k. So abhi yahan pe joint sirf aur sirf ek hi hai, o joint kya hai, sirf aur sirf ek hi hai, o hai sir, kaun sa joint hai, o, kyunki maine kya bola tha last lecture mein k एंड वाले जो भी सपोर्ट्स है वो नहीं लेना है, बीच वाला जो भी आपका इंटरमीडिएट है वही लेना है। अभी यहाँ पे इंटरमीडिएट बीच का कौन है, ओ ही है, ओके बाकी सब क्या है मेरा एंड है, तो यहाँ पे ओ ही सिर्फ और सिर्फ जॉइंट है। मेंबर्स कौन से है, ओ ए, ओ से स्टार्ट, ओ जॉइंट है ना तो ओ से स्टार्ट करके लिखना, ए ओ नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा आपको, ओ ए लिखना पड़ेगा, ओ ए, ओ एक्चुअली देयर इज सी ओ सी एंड ओ बी, ओ ए ओ बी यानी ओ ए ओ सी एंड ओ बी, ये मैंने लिख लिया, आपने ओ बी ऊपर भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, बस उसका ही स्टिफनेस लेना पड़ेगा, इतना आप समझ लो। अब यहां पे जब मैं रिलेटिव स्टिफनेस की बात कर रहा हूं तो यहां पे मुझे एंड कंडीशन मैं लिख लेता, एंड कंडीशन के हिसाब से मेरा एक एंड कंडीशन इनटू जो भी मेरा स्टिफनेस आ रहा वो मुझे स्टिफनेस मेरा लिखना पड़ेगा, तो एंड कंडीशन के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा। तो एंड कंडीशन मेरी अभी यहां पे ए में क्या है, फिक्स है, तो मेरा क्या रहेगा, 1 इंटू रहेगा, फिक्स्ड है। ओके, सी क्या है, मेरा हिंज है, तो 0.75 मुझे इंटू करना पड़ेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको 4EI/L आपका काय के लिए है, 4EI/L आपका फिक्स के लिए, फिक्स्ड और इंटरमीडिएट के लिए। लेकिन मैं क्या कर रहा, डिवाइड बाय 4 में कर ले रहा दोनों, यानी मैं हिंज के लिए भी डिवाइड बाय 4 कर ले रहा और इसके लिए भी डिवाइड बाय 4 मैंने कर लिया दोनों के इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा EI/L हो जाएगा, EI/L। तो मैं यहां पे पहले एंड कंडीशन लिख लूंगा और देन मैं यहां पे क्या लिखूंगा, EI/L लिख लूंगा। तो मुझे और इजी हो जाएगा समझने के लिए कि एंड कंडीशन में जहां पे हिंज और जहां पे फिक्स है, यानी जहां पे हिंज है वहां पे मैं 0.75 इंटू कर दूंगा और जहां पे फिक्स है वहां पे मैं 1 इंटू कर दूंगा सीधा सीधा। ओके, और आप ये मॉडिफिकेशन आपके कल वाले टेबल में आप कर सकते हैं। मैंने आपको जानबूझ के 4EI/L और 3EI/L इसलिए बताया बिकॉज ऑफ स्टिफनेस। अगर आपको पूछा गया तो 4EI/L मेरा क्या का स्टिफनेस है, फिक्स का स्टिफनेस है। अगर उसको ही मैं 4 डिवाइड बाय 4 अगर कर दूं तो आप क्या लिख सकते हैं, EI/L भी लिख सकते, डिवाइड बाय 4 किया तो। ये कब लिख सकते हैं आप, डिवाइड बाय 4 किया तो, डिवाइड बाय 4 किया तो आप लिख सकते। और हिंज और रोलर के लिए क्या है, 3EI/L है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता, 3/4EI/L, दैट इज नथिंग बट व्हाट, 3/4EI/L क्या रह सकता मेरा, 0.75। दैट्स व्हाई मैंने यहां पे क्या लिखा, 0.75, दैट इज एंड कंडीशन, अगेन वन, दैट इज वेरी इजी। अब मैं EI/L वहां पे इंटू कर दूंगा, इंटू क्या कर दूंगा मैं, EI/L वहां पे इंटू कर दूंगा। व्हाट इज माय EI नाउ, EI इट इज ए, ओ ओ ए के लिए क्या है, 2EI/4, दैट इज 0.5EI। अब यहां पे जब मैं दे रहा तब 0.75 पहले से ही है, या फिर 3/4 भी लिखा आपने तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, 0.75 इंटू हाउ मच EI, 1EI, डिवाइड बाय क्या है आपका, 6 है। सो 1 इंटू 0.75 यानी 0.75 डिवाइड बाय 6, हाउ मच, 0.75 डिवाइड बाय 6, हाउ मच, 0.1111, आई थिंक सो, 0.375, ओके, 0.375, 0.75 डिवाइड बाय 6, नो, 0.75 डिवाइड बाय 6 होगा ना, इनटू वन डिवाइड, 0.125, हाँ 0.125, यस यस यस, 0.125, 0.33 कैसे आएगा फिर, 0.125, ओके, इनटू 10। अभी ये यहाँ पे जाऊंगा मैं तो यहाँ पे क्या है मेरा फिक्स है, और कितना है, 1.5 है, 1.5EI/4, दैट इज 0.375 EI, इन तीनों की एडिशन। अभी यहां पे क्या लिखूंगा मैं, एडिशन लिखूंगा, एडिशन क्या है, 0.5, 0.125, 0.375, दैट इज 1। एमपीएससी है, एमपीएससी इजी देता है, क्वेश्चन इजी रहता है। ओके, 1, तो अभी वाह वाह, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना कितना इजी है यहाँ पे, फिर यहाँ पे दिस 0.1EI रहेगा ये। ओके, 1EI, तो 0.5 डिवाइड बाय 1EI, 0.5 EI get cancelled, 0.125 and 0.375। लेकिन अभी आपका आपको ऑर्डर कैसी है, आपका ऑर्डर है पहले OA है, तो पहले OA आपका आपको लिखना पड़ेगा, यानी OA क्या है मेरा अभी 0.5 है, OB क्या है मेरा 0.375 है,
एंड ओसी क्या है 0.125 है, तो ये वाला ऑप्शन आपको अभी यहाँ पे कहाँ पे क्या दिख रहा 0.5 0.375 125 डी इज करेक्ट वाला, डी इज करेक्ट आंसर। समझे क्या, इसमें कोई डाउट है? रचना, सूरज, एनी डाउट? नो सर। रचना और कई डाउट आहे असल तो कहीं सांग डाउट असल तो सांग नहीं सर। आपको कोई डाउट अभी अभी समझ गया? ओके ये वन और ये 0.75 कब रहेगा, वन कब रहेगा, ये जब मेरा फिक्स रहेगा या फिर इंटरमीडिएट रहेगा? वन रहेगा या फिर इंटरमीडिएट रहेगा, तब मेरा ये क्या रहेगा, यहां पे मेरा ये वन रहेगा। और मेरा हिंज और रोलर कब रहेगा, जब मेरा हिंज और रोलर रहेगा तब मैं 3/4 भी लिख सकता या फिर मैं 0.75 लिख सकता। तो ऐसी आप करो एंड कंडीशन इनटू ई बाय एल लिखो उसको, तो बेटर रहेगा। ओके यानी आपको बहुत इजी जाएगा। ओके बट द स्टिफनेस इज फॉर फिक्स 4EI/L एंड द स्टिफनेस इज फॉर हिंज इट इज 3EI/L। ओके ओके गाइस अगेन वन मोर क्वेश्चन एमपीएससी मेंस 2000 क्वेश्चन एमपीएससी मेंस 2019 रिसेंट क्वेश्चन ए टू स्पैन कंटिन्यूअस बीम A, B, C is as shown in figure, shown in figure below. The distribution factor the distribution factor at joint B R joint B R there is 4 minutes ABC zero point four 0.6 0.6 0.4 0.5 0.5 0.55 0.55
एंड 0.45. ओके सो अभी ये आप मुझे बताओ कि कौन सा आंसर रहेगा. आपको मैं 5 मिनट देता हूँ ओके. इसे आप अभी सॉल्व कर ही सकते क्योंकि यहाँ पे तो 3 मेंबर थे, यहाँ पे तो 2 ही मेंबर है. तो अभी आप तो बता ही सकते मुझे कि क्या रहेगा आंसर. ओके आपको लोडिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है. आपको क्या बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताना है. लोडिंग से मुझे कुछ लेना देना नहीं है. ओके आप मुझे बताओ अभी आंसर, मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूँ. हो गया सॉल्व? चालू है, चालू है सर. बरोबर करा करा काही हरकत नाही. सर सी आंसर आहे 0.5 0.5. सी आहे का माहित नाही मला. हो सर आंसर सी आंसर आहे 0.5 0.5 करेक्ट आंसर. देखो मैं आपको बहुत सारे होमवर्क देता है, ऐसे यानी आपको समझ आएगा कि कैसे सॉल्व करना है यार. ओके अभी देख लो यहाँ पर जॉइंट मेंबर रिलेटिव स्टिफनेस. स्टिफनेस यहां पे एंड कंडीशन और यहां पे ई आई बाय एन. यहां पे सबमिशन ऑफ के एंड डी एफ इट इज इक्वल्स टू के बाय सबमिशन ऑफ की. अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन कौन सा है, बीच वाला बी ही है और बी का ही आपको पूछा है कि बी पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स मेरे क्या क्या रहेंगे. ओके ज्वाइन के लिए तो ज्वाइन बी के आपको निकालना है और ज्वाइन बी ही है सिर्फ और सिर्फ बीच वाला. तो क्या होगा अभी यहाँ पे मेंबर कौन सा है, बी ए दैट इज माई मेंबर एंड बी सी दैट इज माई मेंबर. सो अभी देखो अभी ए मेरा क्या है, फिक्स है. ए भी मेरा क्या है, फिक्स है. ए मेरा फिक्स है और सी भी मेरा क्या है, आपका फार एंड फिक्स है. तो दोनों एंड फिक्स है. अब जब फिक्स रहेगा तब मैं 1 EI/L लिख सकता है, यानी तब 1 रहेगा मेरा फिक्स के लिए 1, हिंज के लिए फॉर एंड हिंज और सिंपली सपोर्ट जो भी रहेगा रोलर उसके लिए क्या रहेगा मेरा 0.075. ओके 0.75 और फिक्स के लिए 1. तो यहाँ पे दोनों फिक्स है इसलिए 1 इंटू ई आई बाय एल सिंपली आप कर लो. व्हाट इज ई आई बाय एल, ई आई इट इज 3I/6, हियर इज 2I/4.5, अगेन 0.5 आए, दोनों का एडिशन 1 आए,
फिर यहां पे कितना हो जाएगा मेरा अभी यहां पे 0.5 0.5 बिकॉज ऑफ 0.5 डिवाइड बाय 1 0.5 0.5. तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चंस आस्क्ड इन एमपीएससी मेंस. ओके, एमपीएससी मेंस में बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, अगेन एक दो क्वेश्चंस ले लेते हम, बट नॉट इन एमपीएससी मेंस. अभी मैं मेरे क्वेश्चंस लेता हूं. ओके, तो आपके ये जो है यानी एमपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी का एक आधी क्वेश्चन ले लेते हैं ना, बेटर रहेगा. वन मिनट सर, जिधर 0.5 ई आय पाहिजे ना, आय ई दिलाय का तुला? नाही दिलेला आहे म्हणून मी ई घेतलाच नाही. ई देखे नाही आहे तो ई काय केलेलू लिहाय नाही मैंने, इसलिए मैंने आय लिया. ओके, आपने वो 1.5 आय ई आय नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. बराबर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. यहाँ पे तो क्वेश्चंस ही नहीं है. मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हैज नो क्वेश्चंस, एसएससी बहुत कम क्वेश्चंस है, एक दो ही क्वेश्चंस है, और वो एक दो क्वेश्चंस आपको लाइन ही कर दे. ओके, नो इश्यूज. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अभी ये एमडीएम में अपने को और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे कंफ्यूज करने के लिए. आपको लोड का कोई काम है क्या? नहीं है. फिक्शन मोमेंट जब अपन निकालेंगे तब काम का है. ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे. कब सॉल्व करेंगे? अभी नेक्स्ट डिस्क में अपन पूरा जब क्वेश्चन लेंगे ये क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. आप मुझे फिर से बता देंगे क्वेश्चन क्या था करके. ओके, जैसे कि मैं ये क्वेश्चन में भी अभी पूरा डाटा दे लेता. नंबर सीडी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चाहिए. क्या रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर? नेक्स्ट क्लास में जब पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देंगे, यानी पूरा स्टेप सॉल्व करना चालू कर देंगे,
आपको ये बहुत इजी स्टेप लगेंगी, कुछ भी स्टेप्स इसमें नहीं है। और हाँ, स्ट्रक्चर एनालिसिस में स्टेप मार्किंग नहीं रहती है, सो प्लीज आपने अगर सॉल्व नहीं किया, पूरा आंसर नहीं निकाला, तो आपको जीरो मार्क्स देना उनका बनता है। नहीं तो आप बोलेंगे मैंने तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तक निकाला, मुझे मार्क्स नहीं मिले, जीरो मार्क्स। ओके, पूरा आंसर करेक्ट होना तो ही मार्क्स रहते हैं, नहीं तो मार्क्स नहीं रहते। अब इसमें भी आपको 3 घंटे में 6 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, इसका भी मैं आपको प्रैक्टिस करा के ले लूंगा, तो आपके 101% ये जो क्वेश्चन है ये 15 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। जो आपको अभी 15 मिनट DF के लिए लग रहा है, तो ये आपका 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो ये पॉसिबल है, 2 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व हो जाता। ओके, उसका मेन चीज है प्रैक्टिस। ओके, सो व्हाट इज DF, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर CD? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर CD, अब यहाँ पे जॉइंट्स कौन से है, बी और सी जॉइंट है। ओके, जो लेंगे हम सी का CD के लिए देखा है आपने, सी जॉइंट लेना पड़ेगा आपको। निकालो, आपके पास टाइम है, आप निकालो, मैं तो आपको बताऊंगा। क्या रहेगा, सर सिर्फ CD का निकालना है क्या? CD का निकालना है, V का तो नहीं, 0.6 अब देखो 0 कितना लगता, 6 ओके ओके, जो भी है अभी अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे जैसे उनको प्रॉब्लम जा रहा, अभी ऑफलाइन बैठा तो उसको प्रॉब्लम गया है, जा रहा है देखने के लिए, तो मैं आपको ये भी अच्छे से सॉल्व करके बताता कि प्रॉब्लम नहीं जाने को। 0.65 इन्होंने बोला है, रचना ने बोला है, तो देखते वही निकलता कहता। 0.23 बोल रहे यार, ठीक है ठीक है। तो अभी देखो पहले सबसे पहले जॉइंट में क्या क्या आता है, और जॉइंट को मिलके कौन से मेंबर्स है। आपने जैसे अभी वो 3 लिखा, 3 नहीं है, कितने, 2 है, BA एंड BC, ये सिर्फ और सिर्फ बी जॉइंट में रहेगा। कुछ दूसरा मिल रहा है क्या आपको मेंबर, यहां से यहां कहां जा सकते हैं आप, नहीं जा सकते, कैसे जाऊंगा आपको, इसका घर पहले क्रॉस तो करना पड़ेगा। तो ये मेंबर है हेड मेंबर, इसको ज्वाइन कौन है मेरा, ए जॉइंट है और सी जॉइंट, तो मेरा मेंबर कौन सा हो गया, बी ए हो गया और बी सी हो गया। अब जब मैं सी का देखूंगा तो सी के लिए मेरे कितने मेंबर है, 2 ही मेंबर है, कौन से 2 मेंबर्स है, सी बी है और सी डी है। ओके, तो 2 ही मेंबर है। सो देखो अभी यहां पे मैं लिख लेता जॉइंट मेंबर के यानी रिलेटिव स्टिफनेस, अभी आपको पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, submission of K and DF, DF is equals to K upon submission of K. So joint it is B and C. So BA and BC, CB and CD. मुझे क्या चाहिए, सिर्फ CD चाहिए, तो मैं B क्यों निकालूंगा, होगा मैं B के लिए जाऊंगा ही नहीं, मुझे पूछा ही नहीं है तो मैं क्यों निकालूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब end conditions, जब मुझे end conditions देखना है, एंड कंडीशंस मुझे देखना है, तो एंड कंडीशंस मेरे क्या है, अभी यहाँ पे मैं सी के लिए देख रहा हूं, तो सी के लिए ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट यानी क्या है, मेरा फिक्स जैसे मैं ट्रीट करता, इंटरमीडिएट को क्या करता, फिक्स जैसे ट्रीट करता, दैट्स व्हाई 1। और ये वाला क्या है, मेरा फिक्स है एंड, इधर वाला क्या है, फिक्स है, तो इसको भी 1 कंसिडर करता मैं। ओके, 1 1, बाद में ई आई बाय एल, व्हाट इज ई आई बाय एल, नाउ मैं यहाँ पे E है क्या, नहीं, इसीलिए मैं क्या लिखूंगा, I by 4,
और ये क्या रहेगा मेरा, थ्री आई बाय फाइव, ओके आई बाय फोर एंड थ्री आई बाय फाइव। अब जब मैं थ्री बाय फाइव लिखूंगा, थ्री बाय फाइव एंड आई बाय फोर, दैट इज माई 0.25 आई, एंड वॉट इज माई थ्री बाय फाइव, वॉट इज थ्री बाय फाइव, 0.6, 0.6, यस 0.6 आई, दैट इज 0.85 आई, यस करेक्ट, एडिशन इट इज 0.85 आई, ओके। अब आप यहां पे कर सकते हैं सीबी के लिए 0.25 डिवाइड बाय 0.85, यानी क्या हो जाएगा आपका ये 0.29 एंड 0.6 डिवाइड बाय 0.85 हाउ मच, 0.70 70 आ रहा, बट इसकी एडिशन जो होना आपकी जो भी डीएफ की एडिशन, ये वन आने को, एडिशन ऑफ डीएफ मस्ट 0.71 है, 0.71 है, ओके 71, एडिशन ऑफ डीएफ मस्ट बी वन ऑन द जॉइंटर। सपोज आपका 0.70 ही है तो भी आप इसको क्या कर दोगे, 0.71 ही कर दोगे, ओके या फिर इसको आप 0.29 को आप 0.30 कर दोगे, क्योंकि एडिशन वन होना ना आपको, इसलिए तो अभी यहां पे 0.71 है, 0.71 इज द करेक्ट आंसर फॉर डीएफ। अभी मुझे आप डीएफ बताओ ए बी का क्या रहेगा, अभी एक ने भी करेक्ट आंसर नहीं बताया था, ओके तो आप ए बी का, अभी मैंने बी ए का, सॉरी ए बी नहीं, बी ए का मुझे डीएफ बताओ क्या रहेगा। बी ए का डीएफ बताओ क्या रहेगा, जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स, ओके ही सेइंग 0.66, इट मे बी 0.66 रह सकता है, मैं नहीं नहीं बोल रहा, 0.667 भी रह सकता है या फिर 0.67 भी रह सकता है, मे बी, ओके ओके नो इश्यूज। बाकी बाकी लोग बताओ क्या रहेगा, सूरज चंग काय राणा, ओमकार सांग ना काय राहणार, 0.78 आहे, 0.78 आहे का, बर ठीक है बघू आपण आता किती येतं, 0.73 7873 आपके तुक्का मार रहे यहाँ पे, देखो अभी अभी यहाँ पे भी ये क्या है मेरा, ए क्या है फिक्स है, फार एंड ए क्या है मेरा फिक्स्ड है, ओके तो मेरा एंड क्या रहेगा वन रहेगा, और सी क्या है मेरा इंटरमीडिएट है तो क्या रहेगा वन, तो वन वन हो गया मेरा, वन इंटू वन कर दिया मैंने, आय बाय एल तो इतना यहाँ पे क्या है अभी टू आय बाय थ्री, टू आई बाय थ्री, और यहां पे क्या है मेरा अभी यहां पे आई बाय फोर, यानी 0.25 आई और 0.667 या फिर 0.67 आई, ओके 0.67 आई, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टिफलेस हो गया, मुझे डीएफ चाहिए था, ओके सो इन दोनों की एडिशन क्या होगी, अभी एडिशन क्या होगा 0.92 आए, अब यहां पे क्या रहेगा गाइस 0.67 डिवाइड बाय 0.92 0.73 0.73
सेवन थ्री और सेवन सिक्स? सेवन थ्री सर। सेवन थ्री, ओके। और यहाँ पे 0.25 डिवाइड बाय 0.9392 दैट इज 0.27। आने कोई हो ना, अगर 27 नहीं आया तो आपने गड़बड़ की है। ओके, सो दैट इज माय डीएफ। आई होप सो अभी पूरा समझ गया होगा आपको। यस सर। और एक क्वेश्चन ले लेते, समझा क्या अभी आपको? ओके ओके, पूरा अगेन वन क्वेश्चन ले लेते, अभी सब लोग बताएंगे, अभी मैं नहीं बताने वाला। ओके किसी को ऊपर का नहीं दिख रहा है, ऐसी नहीं है ना, दिख रहा है ना सबको सर? जॉइंट सीन अंतर सर, सर वाला ब्लर होता है। ओके, ब्लर हो रहा है आपको, आप रीजॉइन कर लो अगर ब्लर हो रहा है तो। सबको ही हो रहा तो मैं रीजॉइन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं रीड्रॉ कर लेता नीचे अगर ऊपर आपको सी के बाद में नहीं दिख रहा है तो। सीडी कितनी है? सीडी इट इज 2 मीटर। अभी दिख रहा होगा ना? हाँ सर, क्लियर है। आई इज कांस्टेंट, ए बी सी डी। आई वांट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी सी, आई वांट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी सी, BC का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मुझे चाहिए। फाइंड DF ऑफ BC एंड CB, ये दोनों चाहिए मुझे आपको। मैं और 5 मिनट देता, 5 मिनट में सॉल्व कर। अभी सूरज आंसर बताएगा। BC 0.4 ये बोल रहे हैं ओमकार। ओके, CB 0.29 और CB 0.29 बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी लोगों का आंसर बता दो, क्या क्या निकल रहा है? अभी यहाँ पे आपके पास बोथ एंड क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, तो एंड कंडीशंस में आपको 0.75 आएगा। ओके सर, सीबी पहले पहले कौन सा काटा था सर? 20 सर, बीसी 0.31 है सर, और सीबी
0.5। ओके अलग अलग आंसर्स नहीं आने को ना। तुम्ही दोघे एकाच रूम मध्ये बसून करता क्लास की वेगळे वेगळे करता? मग नाही सर, वेगळे खाली खाली आहे, तुम्ही वरती बसून असं। ठीक आहे, दोन्ही वेगळे वेगळे नेट खर्च करता। हा 0.4 BC ये बोल रहा है। ठीक है, सीबी भी बता दो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। रचना बताओ, सर तो इंटरमीडिएट तिला वन घ्यावं लागेल, इंटरमीडिएट वन घ्यावं लागेल सर। हा सी ला वन घ्यावं लागेल, रूलर आणखी सर तो सी ला वन, बी ला वन, ए ला 0.75, डी ला 0.75। ठीक ठीक ठीक, बी ए का, बी ए का मुझे चाहिए, अभी सी बी का चाहिए। रचना, सूरज, आपको आवाज नहीं आ रहा है या फिर आपका अभी तक सॉल्व होने का है? आराम से करना था, कोई घाई गड़बड़ नहीं थी। सर बीसी 0.38 है सर, अनि सीबी 0.57। 0.38 आएगा, हाँ सर। बघून घेऊ आता, 2 मिनिटं। सर सीबी 0.29 है, इतना है। सीबी 0.29, ओके। एंड बी सी 0.38, ओके 0.38, ओके। ठीक है, आपके आंसर जो भी है आप याद अभी रखो, आपके पास रखो, मैं अभी सॉल्व करके देता हूँ। हाँ संग, बीसी 0.44 आला है आणि सीबी 0.034 आला है। बर, 0.0 नहीं आला पाहिजे, कुठेतरी चुकवलेला आहे रचना तो। 0. something, 0. परत 0 नको यायला, कुठेतरी चुकलेला, बघून घेऊ आपण आता। तुम्ही सॉल्व केला, तुम्ही प्रयत्न करताय, तेच मोठी गोष्ट आहे, ते करायला पाहिजे। मी अजून 3-4 क्वेश्चन तुम्हाला देतोय, त्याचे तुम्ही होमवर्क मधून करून आणाल उद्या। ओके ओके ओके, आपके भी सॉल्व। हाँ देखो फिर, ओके ओके, ये जॉइंट मेंबर के सबमिशन ऑफ के एंड डीएफ, जॉइंट इट इज बी सी, एंड कंडीशन। अब यहां पे बी ए एंड बी सी, सी बी एंड सी डी, ओके। सो अभी एंड कंडीशन मेरा क्या है, यहां पे देखो हिंज है, तो मेरा क्या रहेगा 0.75। यहां पे 0.75 भी लिख सकता मैं और 3/4 भी लिख सकता, वी कैन से दोनों सेम ही है, कुछ भी लिखो। यहां पे इंटरमीडिएट है तो 1, यहां पे भी इंटरमीडिएट है, ये मेरा सी क्या है, इंटरमीडिएट है ना, इसलिए इसको 1, और मेरा बी भी क्या है, इंटरमीडिएट है, इसलिए इसको 1, ओके। एंड डी क्या है, मेरा रोलर है, रोलर रोलर यानी क्या है, पिन है, तो अगेन 3/4। तो अभी ये किसने किसने सही लिखा, गलत हुआ,
ये देखो ये हिंज है, फार एंड क्या है आपका बी के बाद में हिंज है, तो 3/4 या फिर 0.75 भी लिख सकते हैं आप, ओके। एंड बी सी, सी क्या है इंटरमीडिएट है, तो क्या है इंटरमीडिएट क्या के लिए क्या है मेरा 1 है, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट के लिए क्या है मेरा 1 है। और बाद में डी, डी क्या है मेरा रोलर है, फार एंड क्या है मेरा रोलर है, रोलर है यानी क्या हो जाएगा मेरा दैट इज पिन, पिन सपोर्ट, पिन सपोर्ट के लिए क्या है 3/4, ओके। सो अभी आप ई एफ लिख लो, यानी जो भी आपका है अभी आपका 1/3, ये क्या है आपका इधर बी सी के लिए 1/5, बी सी सी बी के लिए भी क्या है 1/5, और इधर क्या है 1/2, सो दैट 3/3 गेट कैंसल, 0.25 आए। आए लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी कैंसिल ही होने वाला है पता है, ओके। 1/5 0.2 यानी 0.45, 0.25 डिवाइड बाय 0.45 एंड 0.2 डिवाइड बाय 0.45, 0.56 0.44 यस 0.44 कोणी तरी सांगितलं होतं सूरज आई थिंक सो, ओके। अभी किसका आंसर सही है वो खुद ही आप कर लो, ऐसे कुछ यहाँ पे मार्क्स नहीं है, तो 0.4 नहीं 0.44 आंसर है, ओके। और 0.56 ओके, एंड व्हाट इज योर दिस 0.2 एंड इट इज 0.15 आता नहीं 3/4 यानी 0.375 आएगा ना, ये 0.375 0.75 का भी हाफ यानी 0.375, 0.375 और इसका एडिशन अगर मैं कर दूं तो अभी मुझे कितना मिलेगा, ये दोनों का एडिशन कितना मिलेगा, आंसर आएगा नहीं 0.2 डिवाइड बाय 0.575 हाँ कितना 0.35 और यहाँ पे 0.65 आने को ना, हाँ सर 0.65 इट इज द करेक्ट आंसर, ओके। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिक्स टू में कैलसी कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये प्रॉब्लम देगा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, तो आप फिक्स टू में आंसर यानी कैलसी करके भी सॉल्व कर सकते हैं, अपन नेक्स्ट डे में फिक्स टू में कैलसी करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.38 आएगा आपको, ओके 38 आके भी आप कर सकते हैं, यानी तीन तीन वैल्यूज लेने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट आप होमवर्क क्वेश्चन ले लो और होमवर्क क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर दे लो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वाले, क्योंकि आपको सबको प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, ओके। होमवर्क क्वेश्चन पूरे सॉल्व करके आ जाओ तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा, 1 मिनट मैं कि नहीं उसके आंसर्स भी कल डाल दूंगा ग्रुप पे, ग्रुप पे है ना सॉरी अपने ऐप पे रहेंगे आंसर्स, ओके। सो मुझे देखने दो मेरा लास्ट बुक, लास्ट नोट्स में से ही मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूं, यानी क्या हो जाएंगे आपके सॉल्व हो जाएंगे वो, क्योंकि मेरा हर एक नोट्स के हर एक अलग अलग मेरे ये रहते हैं, यानी क्या बोलते हैं आंसर्स रहते हैं, मेरे अभी तक नियर अबाउटली मैंने 2014 से अभी तक यानी मुझे 7 ईयर हो ही गए पढ़ाते पढ़ाते, तो मैंने अभी तक नियर अबाउटली मेरे दो दो बैच रहते थे, तुकुम बैच ये वाली एंड जीसी बैच, तो लास्ट ईयर ही सिर्फ और सिर्फ दो बैच नहीं थी मेरी, एक ही बैच थी, उसके पहले मेरे दो दो बैच थे, तो मेरे 10 नोट्स वैसे बन के हैं और लास्ट वाला 11th 11 नोट्स मेरे बन के, और 11 नोट्स में भी अलग अलग क्वेश्चन, तो इतने सारे क्वेश्चन का भंडार है मेरे पास, ओके MDM। और आप RCRT कॉलेज के पास से अगर ट्यूशन के नोट्स के जेरोक्स अगर करोगे तो अपने सीड एकेडमी के नोट्स आपको मिल ही जाएंगे RCRT कॉलेज के बाजू, लेकिन वो नोट्स मिलके भी पोटे फेल होते,
अभी क्यों होते मुझे नहीं पता। ठीक है वन मिनट। A, B, C, sorry, one minute. A, B, C, and D. ये होमवर्क भी पकड़ लो, ये होमवर्क के लिए भी रहेगा आपको बाद में प्रॉब्लम। अभी फिलहाल के लिए इसका सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ही निकालना है आपको। एक्चुअली नोट्स लेने के बाद भी पढ़ते कब, दो दिन पहले इतना बड़ा सिलेबस होता ही नहीं। नोट्स लेके अगर डेली पढ़ डाले तो कोई भी टॉप कर सकता। ठीक है, सो ये फर्स्ट होमवर्क। इसका सिर्फ डीएफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको निकालना है। ओके, आई वांट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। लेकिन आप लोडिंग भी लिख लो, क्योंकि यही सेम आपका क्या रहेगा फिर बाद में होमवर्क रहेगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपको ये भी। अभी ये स्पैन ए बी है, स्पैन बी सी है, स्पैन सी डी है, ये इसको स्पैन मत पकड़ना प्लीज। ओके, स्पैन इट्स डिसाइडेड फ्रॉम दिस आई आई एंड आई, आई इज कॉन्स्टेंट।
तो ये तीनों इसका आपको निकाल के आना है, वो जो भी इसका आंसर्स रहेंगे, आंसर्स अपने इस पे कल का क्लास हो जाने के बाद मैं आंसर्स की पीडीएफ की इसमें यानी काय में स्टडी मटेरियल के इसमें फॉर्मेट में अपने रहेगी, ओके, स्टडी मटेरियल के इस पे ऐप में, ओके, तो इसके आंसर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, ओके, सो कल अपन देखते कब 7:30 को